हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं गाइस आप राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम गाइस आपको मैंने बताया है कि एक प्रकार का ऑर्गेनल्स होता है, जैसा कि आपने मेरी और भी ऑर्गेनल्स पे वीडियो देखी होगी। ठीक है, जैसे माइटोकांड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी का है, सेंट्रोसोम, तो इस तरीके ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है जो आपका राइबोसोम, ये सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइबोसोम के डायग्राम का। कुछ राइबोसोम का डायग्राम इस तरीके से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये राइबोसोम का डायग्राम है। राइबोसोम जो हमारा होता है वो टू टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स हमारे राइबोसोम के होते हैं। एक होता है गाइस 70S, ठीक, एक होता है 70S राइबोसोम, मैं लिख के बता दे रही हूँ। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। तो दो प्रकार के हमारे राइबोसोम होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, ये 70S राइबोसोम है और ये 80S राइबोसोम है। ठीक है, ये 70S हो गया और एक 80S हो गया। तो इस तरीके से हमारे दो राइबोसोम होते हैं, मतलब कि राइबोसोम के टू टाइप्स होते हैं। लेकिन गाइस जो हमारे 70S राइबोसोम होते हैं उनकी दो सब यूनिट होती है, उनकी दो सब यूनिट होती है, जैसा कि देख रहे हैं आप बना हुआ है। ठीक है, एक 50S सब यूनिट और एक 30S सब यूनिट। ठीक है, तो गाइस आपको ध्यान ये देना है कि जो 70S राइबोसोम होते हैं तो 50 एंड प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। तो इसमें 10 सब यूनिट एक्स्ट्रा हैं। तो 10 सब यूनिट जो एक्स्ट्रा होते हैं वो क्या होते हैं? वो इन दोनों को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 10 यूनिट इसमें बढ़ जाता है जब इन दोनों को अटैच करते हैं। ओके, तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम टू टाइप्स होते हैं और 70S राइबोसोम को टू सब यूनिट्स में बांटा गया है। एक होता है 50S सब यूनिट और एक होता है 30S सब यूनिट। और इसी तरीके से 80S राइबोसोम में भी दो सब यूनिट में बांटा गया है, एक 60S सब यूनिट और एक 40S सब यूनिट। इसमें कितने का डिफरेंट है गाइस? इसमें 20 का डिफरेंट है ना। तो ये 20 डिफरेंट क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमारा दो प्रकार का राइबोसोम हो गया, एक 70S और एक 80S, जिसको टू सब यूनिट में बांटा गया है, 70S को और 80S को भी दो सब यूनिट में बांटा गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, अब बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज रोमानिया के जीव, यहाँ के जीव रोमानिया के, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, कि जो उसकी खोज हुई थी वो कहाँ के जीव की बात किया था, तो आपका आंसर होगा रोमानिया। रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पलाडे ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पलाडे ने की थी। ठीक है गाइस, उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। तो चलिए एक बार ओरली देख लेते हैं कि राइबोसोम की जो खोज हुई थी वो रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पलाडे ने की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी खोज की थी और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पलाडे थे, जो जॉर्ज पलाडे थे, उन्होंने राइबोसोम की तो खोज की थी, लेकिन रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, कौन से? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था राइबोसोम सजीव कोशिका की कोशिका द्रव में स्थित बहुत से छोटे कण हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे रिचर्ड्स बी रॉबर्ट्स थे, उन्होंने राइबोसोम को प्रस्तावित किया था। ठीक है, राइबोसोम की खोज तो जॉर्ज पलाडे ने की थी, बट इसको प्रस्तावित किसने किया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि राइबोसोम को किसने प्रस्तावित किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं ना? राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो हमारा है वो सजीव कोशिका की कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही छोटे कण होते हैं, जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ओके गाइस, यहाँ जो हमारा राइबोसोम होता है वो अनुवांशिक पदार्थ, किसके गाइस? अनुवांशिक पदार्थ, जो हमारा राइबोसोम होता है वो अनुवांशिक पदार्थ व डीएनए आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ठीक है,
मतलब कि जो राइबोसोम का यूज होता है, राइबोसोम क्या करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ मतलब कि जीनेटिक मैटर्स, ठीक है, जीनेटिक मैटर जो होता है वो डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन श्रृंखला में बदलने का कार्य करता है, ओके। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी ऊपरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, कहाँ पे, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं, सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। बट अगर आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, ज़्यादातर राइबोसोम वहीं पे बिखरे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, बट हमारा आंसर सिर्फ वहाँ पे सही होगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अगर आंसर दिया है और माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी दिया है, तो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बिखरे होते हैं, ठीक है, वो तो रियल केस में माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ओके गाइस। राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो संदेश धारक मतलब कि संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, और ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, ओके गाइस। चलिए आगे देखते हैं, ये MR के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों को सही अनुसार लगाने का संदेश रहता है, मतलब कि MR जो होता है, ठीक है, MR के साथ ये जुड़े रहते हैं, और जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों को सही अनुसार लगाने का संदेश करता है, ओके गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, इस तरीके से जो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, किसमें, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में तो सहायता करता है, उसके साथ लिपट के ऊपर पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। तो सबसे पहला यूजेस तो हमारा राइबोसोम का यही है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, उसमें सहायता करता है, ओके, और उसके साथ ये ऊपर पाचन क्रिया में भी सहायता करता है, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार की, ठीक है, कि राइबोसोम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए गाइस, राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के मैंने आपको आगे ही ऊपर बताया था कि राइबोसोम टू टाइप्स होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे दिया है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ना प्रोकैरियोट राइबोसोम दिया है, वही चीज़ होता है। लेकिन जैसे कि हम लोग अगर राइबोसोम 70S और 80S में डिफरेंट बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, मतलब कि 70S राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और 80S राइबोसोम में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यहाँ पे ये दे दिया है, ये लिख दिया मैंने कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम, ओके। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम चलिए देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S किसका, 70S प्रकार के होते हैं, जो 50S और 30S में उप इकाई के बने होते हैं, या सब यूनिट के बने होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ओके गाइस। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन क्या उसे बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 70S राइबोसोम में कौन से सेल पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो आप क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक, ओके। 70S को कितने सब यूनिट में बांटा गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो 70S को दो सब यूनिट में बांटा गया है, 50S और 30S, आप ये कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन तरह तरह के पूछ सकते हैं, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे आप अब बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो क्या होता है गाइस, इसकी बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 80S को यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, जो 60X और 40S उपिकाइयों में बने होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसा कि 70S में पूछा था। चलिए अब बात करते हैं राइबोसोम की संरचना की, कि राइबोसोम की संरचना कैसी होती है।
जैसा कि आप देखते हैं गाइस कि जो हमारा राइबोसोम की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम होता है वो बहुत ही अजीब टाइप का होता है। चलिए जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि राइबोसोम जो हमारा होता है वो राइबोसोम दो उपिकाइयाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था। इसकी एक बड़ी उपिकाइयाँ आकृति में गुमंद की जैसी होती है और छोटी उपिकाइयाँ अंडाकार होती है। जैसे कि मैं आपको समझा दे रही हूँ, जैसा कि आपने देखा है कि राइबोसोम, मैंने आपको बताया है कि वो मतलब कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। तो जो 70S या 80S मान लेते कोई भी S राइबोसोम को, जो सब दो सब यूनिट में बांटते हैं, ठीक है, तो एक छोटा बनता है, जैसा कि ये बना हमारा ऐसे और ये बना हमारा ऐसे, तो हमारा राइबोसोम जैसे कि मान लेते ऐसे हो गया, ये हमारा मान लेते हैं 70S और ये मान लेते हैं 80S, है ना। अब हम ये भी मान सकते हैं कि ये हमारा 50S या फिर हमारा ये 40S, सॉरी ये हमारा एम सॉरी एक मिनट, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा 60S और ये हमारा हो जाएगा 40S, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा हो गया और ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो भागों में डिवाइड रहता है, दो सब यूनिट बटा होता है, तो जिसे मतलब कि जो इसकी इकाई होती है, जो छोटी इकाई होती है वो अंडाकार होती है और जो बड़ी इकाई होती है वो किस गुबंद के आकार की होती है, ओके। अब देखिए जो मतलब कि बड़ी उपिकाई होती है, है ना, राइबोसोम की जो बड़ी उपिकाई होती है उन्हें तीन स्थल साइट होते हैं। उनके तीन स्थल साइट कौन कौन से होते हैं जल्दी देख लेते हैं। उनके तीन स्थल साइट, पहला ए स्थल साइट। ए स्थल साइट क्या करता है, या अमीनो एसिल स्थान तथा टीआरएनए के लिए ग्राह्य स्थल होता है, कौन, ए स्थल साइट, ठीक है। पी स्थल साइट दूसरा होता है, पी स्थल साइट क्या करता है, या पेप्टाइड साइट पेप्टाइड श्रृंखला के दीर्घीकरण के लिए स्थल होता है, ठीक। तीसरा क्या करता है, ई साइट या टी आरएनए के लिए होता है। तो इस तरीके से आरएनए के लिए तीनों होते हैं, ए साइट, है ना, पी साइट और ई साइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक चीज आप नोटेड कर लीजिएगा, मैंने ये चीज आपको बताया है लेकिन फिर भी यहाँ पर नोटेड ये कर लीजिएगा कि जो राइबोसोम का निर्माण होता है वो न्यूक्लियस केंद्रक में होता है, जो 40% और 60% प्रोटीन और 60% और 40% आरएनए द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, हमारा ये भी जान लीजिएगा, यहाँ पर सबसे मेन चीज है, न्यूक्लियस को राइबोसोमल उत्पादक या फैक्ट्री, राइबोसोमल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री माना जाता है, ओके। या हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ओके, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ओके गाइस। चलिए आगे बात करते हैं राइबोसोम के कार्य के बारे में, कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, अब इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम कि प्रोटीन संश्लेषण वो कैसे करता है, ठीक है। देखिए जो प्रोटीन संश्लेषण करता है वो क्या होता है गाइस, राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण करता है वो, देखिए प्रोटीन संश्लेषण होता है लेकिन राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिकाद्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करके डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं, ओके। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इसके अलावा माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी, फिर से बता दी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम पे। अब देखिए राइबोसोम पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कि राइबोसोम से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऑर्गेनेल से, ओके।